फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। तब से अब तक युद्ध में घायलों मृतकों की संख्या 5 लाख के पार हो गई है, लेकिन नतीजा अब तक कुछ नहीं निकला। इस वॉर में कभी रूस हावी दिखता है तो कभी यूक्रेन तबाही मचाता है। इन सब के बीच में जो बात पूरी दुनिया को डराने वाली निकल कर सामने आ रही है वो है परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की। इसके लिए रूस की तरफ से लगातार धमकियां दी जाती रही हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से खुलकर इस बात को कहा जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि रूस इसके लिए लगभग तैयार हो चुका है। रूसी विदेश मंत्री का बयान जिस अंदाज में आया है उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। रूस यूक्रेन के इस युद्ध में अमेरिका सहित नाटो के तमाम देश यूक्रेन का पूरी तरह साथ दे रहे हैं। ऐसे में लावरोव ने द इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए एक इंटरव्यू में साफ साफ कहा, परमाणु हथियारों पर हमारा कब्जा आज हमारे देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, और जो बाहरी खतरे हमारे खिलाफ दिख रहे हैं उनसे निपटने के लिए ये परमाणु हथियार हमारा जवाब है। अमेरिका और नाटो सैन्य गठबंधन के सदस्य हमारी परमाणु शक्तियों से सीधे टकराने का जोखिम अगर उठाएंगे तो उनके लिए अंजाम होगा उनका खात्मा। अगर पश्चिमी देश नहीं मानते हैं तो इस खतरे को वो नहीं समझ रहे हैं, और इसीलिए हम बार बार पूरी गंभीरता से उनको याद दिला रहे हैं। यकीनन लावरोव का ये बयान पूरी तल्खी लिए हुए है, और इसलिए इसे अब तक की सबसे बड़ी धमकी के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार की धमकी है। रूस हो या उसके सहयोगी देश, उनकी तरफ से ऐसे बयान आते रहे हैं। अभी हाल ही में पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि अगर रूसी सैनिकों के खिलाफ यूक्रेन का जवाबी हमला सफल रहा तो मॉस्को को परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक बेलारूसी राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने चेतावनी दी थी कि बाहरी आक्रमण का सामना करने पर वो उन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे जो रूस ने उनके देश में पहले से ही तैनात किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन भी रूस द्वारा सामरिक परमाणु हथियारों के उपयोग करने की धमकी को वास्तविक बता चुके हैं। हाँ, एक दूसरा पक्ष वो भी है जो इसे महज गीदड़ भभकी करार देता है। वॉशिंगटन डीसी स्थित थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने इस साल की शुरुआत में कहा था कि रूस की बढ़ती परमाणु युद्ध बयानबाजी यूक्रेन और उसके पश्चिमी समर्थकों को हतोत्साहित करने की चाल भर है। इन सब के बावजूद परमाणु हमले को लेकर रूसी बयान बार बार आ रहे हैं। इन धमकियों को नजरअंदाज करना क्या ठीक होगा? क्योंकि बात अब केवल दो देशों की नहीं, बात विश्व सुरक्षा विश्व हित की है। हो सकता है कि रूस दबाव बनाने के लिए इस तरह की धमकी वाली रणनीति का सहारा ले रहा हो, लेकिन विकट परिस्थितियों में उसके पास इन विनाशकारी हथियारों के इस्तेमाल का रास्ता खुला है, और ऐसे में इससे होने वाले तबाही की जद में दुनिया के तमाम देश भी आएंगे।